नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज के समय में अगर समाज शिक्षित अगर हो रहा है तो गर्व होना चाहिए भारत के तमाम समाज को। अगर एक एक जाति एक एक विषय पर अगर चर्चा कर रहे हैं, अगर अपने बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है या फिर समाज के नए दिशे में लाने की कोशिश अगर कर रहा है तो समाज को लगता है कि उन्हें भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपको स्टेट लेवल पर जागरूक कर रहे हैं, हालांकि उनकी जो संख्या है बहुत कम है, लेकिन संख्याओं में आज भी जो है वो एक ऐसी दिशा की ओर जाना चाहते हैं जहां समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर। लेकिन अगर आज हम अगर बात करें तो भारतीय नागवंशी डोम सभा अपने समाज को अपने जाति की दिशा दशा पर चर्चा करते हुए उन्होंने लगातार समाज को जागरूक करने की कोशिश किया। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, सुरेश मलिक जी की अध्यक्षता में एक प्रोग्राम रखी गई जहां पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अतिथि पहुंचकर और समाज को शिक्षित करने की बात किया है। हम आपको बता दें कि भारतीय नागवंशी डोम सभा जो कि समाज को स्वीकार करना चाहिए, समाज को शिक्षित करने की तमाम व्यवस्था उन्हें देना चाहिए, आज वो लोग अपने समाज को एकत्रित करने में लगे हुए हैं कि ताकि उनकी समाज पिछड़ा न रहे, उनके समाज में कोई अशिक्षित न रहे। लेकिन आज उनके सभा में जो समारोह हुआ, हम आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये दृश्य है उन लोगों को जो लोग बाहर से अतिथि के तौर पर आए थे, जो बाहर से चीफ गेस्ट के तौर पर उन्हें बुलाए गए थे लगातार अपने समाज को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए और उनके व्यवसाय पर भी जो है चर्चा की। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इस प्रकार से हमारी समाज की व्यवस्थाओं में अगर आगे बढ़े तो ये भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ सकते हैं, समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, उसी सभा में जो है सुरेश मलिक जी की अध्यक्षता में प्रोग्राम किया गया जिसमें समाज को जो है हर दिशाओं पर बात करने की मौका मिला। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये सीतामढ़ी की सुरसंड प्रखंड में जो है ये कार्यक्रम को रखा गया और तमाम सदस्य उसमें उपस्थित हुए, तमाम लोगों को जो है खाना पीना सारी व्यवस्था रखा गया और सभी लोग एकत्रित होकर के बड़े ही ध्यान से इस बातों को सुना गया। वहीं पर आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर के विचार को लेकर के, ज्योतिबाई फुले के विचारों को लेकर के, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो मार्ग बताए गए हैं उनको लेकर के तमाम चीज़ों पर एक एक सवालों के जवाब को देते हुए समाज को आगे बढ़ाने के जो ये प्रोग्राम ये कार्यक्रम रखा गया है ये बहुत ही सराहनीय कदम रखा गया। आपको बताने की कोशिश करेंगे, इनमें तमाम अतिथि मौजूद रहे। शिवहर की लोकसभा प्रत्याशी रितु जसवाल के पति भी वहां मौजूद रहे, उन्होंने भी अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया और समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और कई रोजगार संबंधित विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने सभी को जो है एक संदेश दिया। आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो कई ऐसे सभाएं में लोगों को आमंत्रित किया गया जहां पर इन सभाओं को देखते हुए तमाम विषय पर चर्चा हुआ, समाज की तमाम दिशाओं पर अगर बात किया जाए तो उनके भूमि पर भी चर्चा हुई, क्योंकि उनको आज भी जो है बहुत जगह ये देखा जा रहा है कि बिहार सरकार के ज़मीन में बसा है या सरकारी ज़मीन में उनका घर होता है या सरकार उनको ज़मीन दे, उनके मकान दे, उनके पढ़ाई की तमाम व्यवस्था दे, स्कूल दे, कॉलेज दे, जहां उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। आज अगर बात करें भेदभाव की तो सबसे ज़्यादा लोग भेदभाव करने की भी कोशिश करते हैं और भेदभाव ना हो इसलिए उन्होंने तमाम विचारों को जो है